26 मई 2014 को आदरणीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और 26 जुलाई 2014 में जो हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है कारगिल विजय दिवस का, इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने माय गॉव पोर्टल का शुभारंभ करते हुए आम जनमानस को योजनाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने, उनके सुझावों को उसके बाद उसके साथ जोड़ने और उनकी भावनाओं के अनुरूप, लोकतंत्र की भावनाओं के अनुरूप शासन की योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए जिस पोर्टल का शुभारंभ किया था, आज देश के 1,85,00,000 से अधिक लोगों का सीधा जुड़ाव इस पोर्टल के माध्यम से इसकी लोकप्रियता को उजागर करता है। यानी अगर हम 1,85,00,000 लोगों की बात करते हैं तो ये मान करके चलें कि सीधे सीधे 10 करोड़ से अधिक लोग डायरेक्ट इसके साथ जुड़े हुए हैं। मैं इसके लिए माय गॉव से जुड़ी हुई पूरी टीम को, खासतौर पर माननीय श्री अश्वनी वैष्णव जी, माननीय श्री राजीव चंद्रशेखर जी और विभाग के सचिव और सीओ के साथ उस पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने भारत सरकार की योजनाओं को आम जन तक बनाने से लेकर उसको लागू करने तक इस पोर्टल को बेहतरीन उपयोग किया है। मैंने इसके महत्व को विगत 1.5 वर्ष से पूरी दुनिया कोरोना महामारी को से जूझ रही है और हम लोगों ने तकनीक के उस उपयोग को बेहतरीन तरीके से महसूस किया है कि कैसे एक साथ हम करोड़ों लोगों तक पूरे पारदर्शी और ईमानदारी पूर्वक शासन की योजनाओं का लाभ दे सकते हैं। हम लोग पहले भी इस तकनीक के बारे में यहां पर देख चुके थे। मुझे याद है प्रदेश उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, खाद्यान्न के मामले में, खाद्यान्न वितरण में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उत्तर प्रदेश का था इसमें बड़ी विकृतियां थी, बड़ी खामियां थी और इसके माध्यम से एक तरफ हम खाद्य सुरक्षा की बात करते थे तो दूसरी ओर बड़े पैमाने पर भूख से मौतें भी यहां होती थी। 2016 तक मुझे याद है 2016 दिसंबर और जनवरी 2017 में मुझे स्वयं कुछ ऐसे स्थानों का भ्रमण करने का अवसर मिला था जहां भूख से मौतें हुई थी। मुझे देख के आश्चर्य होता था कि लोगों के पास राशन कार्ड है लेकिन उस राशन कार्ड के बारे में उसको जानकारी नहीं और उनका खाद्यान्न लोग हड़प जाते थे। जब ई पॉस मशीन लगा करके हम लोगों ने 80,000 से अधिक फेयर प्राइस शॉप्स में ई पॉस मशीन के साथ जोड़ करके उसे स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल के साथ जोड़ा तो आज प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को हम सीधे सीधे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का लाभ दे रहे हैं। पहले से अधिक मात्रा में खाद्यान्न लोगों को वितरित भी हो रहा है लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हर वर्ष प्रदेश सरकार इसके माध्यम से 1200 करोड़ रुपए का लाभ भी यानी बचत भी कर रहा है। यानी तकनीक न केवल आम जन के जीवन में व्यापक सुधार ला सकता है, योजनाओं का लाभ लेकर के उसे एक विश्वसनीय बना सकता है, लोकतंत्र की भावना को चरितार्थ कर सकता है और साथ साथ भ्रष्टाचार के माध्यम से लीकेजेस को रोकने में भी उसकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। ये मैंने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से प्रदेश के अंदर देखा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के बारे में लोग इस बात को मानते थे कि उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है। प्रदेश के अंदर राजस्व की जो आवक थी वह भी बहुत कम थी लेकिन तकनीक का उपयोग करते हुए हम लोगों ने उसे जिस रूप में आगे बढ़ा करके कार्य किया, आज उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने विकास किया है। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में भारत सरकार के सहयोग से माई गॉव यूपी के इस पोर्टल का भी शुभारंभ हो रहा है। मैं आभारी हूं माननीय श्री अश्वनी वैष्णव जी का जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम के लिए अपना समय देकर के उत्तर प्रदेश को भी
MyGov के साथ जुड़ने का एक अवसर प्रदान किया। न केवल उत्तर प्रदेश शासन की योजनाओं के बारे में आम नागरिक को बेहतर तरीके से इसका लाभ मिल पाएगा, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म हमारे थे उन सबको एक साथ जोड़ने का हमें लाभ प्राप्त होगा, बल्कि लोगों के सुझाव जानने, लोगों से विभिन्न मामलों में सहयोग लेने में, उनके सुझावों को जानने में, इनोवेशन को आगे बढ़ाने में शासन को मदद मिलेगी और हम लोग अपनी योजनाओं को बेहतरीन तरीके से समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उस व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, जिसके बारे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की बात की थी, उन तक पहुंचाने में हमें मदद मिलेगी।